नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से 90% लोगों को रास्ते में पैसे जरूर मिला होगा और आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि रास्ते में पड़ा पैसों का क्या करें, क्या यह पैसे को खर्चा करें, क्या इस पैसों को किसी और को दे दे, क्या इस पैसों को देवी देवता को चढ़ा दे। सारे जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। छोटी सी वीडियो बनने वाली है, 2.5 से 3 मिनट का, अपना बहुमूल्य समय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे हाँ अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। तो मित्रों, इस प्रकार के मिले पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए, यह पैसा आपके भाग्य का होता है। माँ लक्ष्मी आपको इस पैसे के माध्यम से निकट भविष्य में धनवान बनने का संकेत देती हैं। तो अगर आपको भी इस प्रकार के पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो ये पैसे को खर्चा मत करना, इस प्रकार के पैसे को कदापि खर्च नहीं करना चाहिए और किसी को देना भी नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे थे, गुरु जी हमें रास्ते में पैसे मिलते हैं तो हम क्या इसे बच्चे को दे सकते हैं, फिर कहाँ रखें। तो इस पैसों को चाहे आपके पत्नी हो चाहे आपके बच्चे हो, किसी को नहीं देना है। ये आपके भाग्य का पैसे होता है, ये आपके पत्नी या पुत्र का भाग्य का पैसा नहीं। अगर आप उसे दे देते हैं तो आपको आगे चल करके निकट भविष्य में आपको जो संपत्ति प्राप्त होने वाला है, जो धन वैभव प्राप्त होने वाला है, वह आपके पुत्र को प्राप्त हो जाएगा, आपकी पत्नी को प्राप्त हो जाएगा, फिर हो सकता है कि वो दोनों को प्राप्त न हो और ये आपके भाग्य से ही चला जाए। इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या इस प्रकार के पैसों को देवी देवता को चढ़ाना चाहिए। तो हाँ, इस प्रकार के पैसों को पास जाने के बाद इसे सबसे पहले तो एक बार सादे साफ पानी से धो लीजिए, फिर गंगा जल से धो लीजिए और फिर इसे जिस भी देवी देवता पर आप आस्था रखते हैं, जैसे कि मैया रानी है, शनिदेव है या फिर हनुमान जी महाराज हैं, जिस पर भी आप आस्था रखते हैं उसे आप जो है ये चढ़ाइए। उसके पैर पर ये 5 बार टच करें, टच करने के बाद जो है आप इसे अपने पर्स में, गले में या धन पेटी में आप रख सकते हैं। इस प्रकार के पैसे को रखने के फायदा बताता हूं। तो ये अगर आप अपने धन पेटी में रखते हैं तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जहां पे आप मेहनत करें, आपको 100 की प्राप्ति हो रहा है, वहां पे आपको 1000 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यह निरंतर आपके धन में बढ़ोतरी करता रहेगा, किसी न किसी माध्यम से आपको आगे बढ़ाएगा, आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा। यह पैसा आपके और आपके पूरे परिवार के लिए भगवान का जो है वरदान साबित होगा। तो इस प्रकार के पैसे को खर्च मत करना, इस प्रकार के पैसे मिल जाते हैं तो मस्त आप जो है माँ लक्ष्मी की कृपा समझ करके, देवी देवताओं के आशीर्वाद समझ करके धन पेटी में रखना। इस प्रकार के पैसे हमें जो है निरंतर धन में बरकत कराती हैं। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।